सूरदास के पद। कवि सूरदास सन 1468 से लेकर 1583 तक। तेरा लाल मेरो माखन खायो, लाल याने बेटा, मेरो याने मेरा और माखन याने मक्खन, अर्थात गोपियां माता यशोदा से शिकायत करती है कि उनका बेटा याने बालक कृष्ण उन लोगों का मक्खन चुरा कर खा जाता है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। ढंढोरना याने खोजना और जानी याने जानकर, देखकर, अर्थात दोपहर के समय सोने घर में सन्नाटा देखकर घर में घुस आता है। खोल किवार सोने मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो। किवार याने दरवाजा, मंदिर यहाँ अर्थ है घर, सखन याने दोस्तों को और खवायो याने खिलाया, अर्थात कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ घर का दरवाजा खोलकर घर में घुस आता है और वहाँ रखा हुआ दूध दही अपने साथियों को खिला देता है। सी के काढ़ी खाट चढ़ी मोहन, कछु खायो कछु ले घर कायो। सी के याने छीके, काढ़ी याने निकाल कर, मोहन याने कृष्ण और धरकायो याने नीचे गिराया, अर्थात कृष्ण चार पाई पर चढ़कर छीके पर रखा हुआ दूध दही मक्खन भी कुछ खाता है और कुछ जमीन पर गिराकर नष्ट कर देता है। दिन प्रतिहानि होत गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग जायो। घोर यानी होता है, ढोटा यानी नटखट, गोरस यानी दूध, दिन प्रति यानी रोजाना, अर्थात गोपियां कहती है इस तरह रोज हमारे दूध का नुकसान होता है, इसीलिए गोपियां यशोदा से पूछती है, यशोदा यह कैसा अनोखा बेटा है आपका। सूरदास कहती ब्रजनारी, पूत अनोखो जायो। जायो यानी पैदा किया, अर्थात सूरदास कहते हैं कि ब्रज की नारियां यशोदा से पूछती है कि आप कैसा अनोखा बेटा पैदा किया है आपने। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो, चंद यानी चंद्र और लेहो यानी लाना, अर्थात बालक कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि वे उन्हें चंद्र खिलौना लाकर दे। धौरी को पयपान न करी हो, बेनी सिर न गुथे हो। धौरी यानी धौरी नामक सफेद गाय, पय यानी दूध, न करी हो मतलब नहीं करूंगा, बेनी याने सिर पर बालों की गुंथी हुई चोटी और न गुथे हो मतलब नहीं गुथाऊंगा, अर्थात वे कहते हैं कि जब तक तुम मुझे चंद्रमा का खिलौना लाकर नहीं दोगी तब तक मैं ना तो अपनी सफेद गाय का दूध पीऊंगा और ना ही अपने सिर पर बेनी गुंथवाऊंगा। मोती न माल न धरी हो उर पर, झंगूली कंठ न ले हो। माल यानी माला, धरी हो यानी धारण करूंगा, उर यानी हृदय, झंगूली यानी पहनने का वस्त्र या कुर्ता और न ले हो यानी नहीं लूंगा। कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि ना मैं मोतियों की माला पहनूंगा और ना झगा या ढीला कुर्ता ही पहनूंगा। जे हो लौट अभी धरनी पर, तेरी गोद न ए हो। धरनी यानी जमीन और न ए हो मतलब नहीं आऊंगा। कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, हे माँ
जब तक तुम चंद्रमा का खिलौना लाकर नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हारी गोद में भी नहीं आऊंगा। लाल कहे हाओ नंद बाबा को तेरो सूतन कहे हाओ, न कहे हो याने नहीं कहलाऊंगा, और सुत याने पुत्र। कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, देखो माँ तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं केवल नंद बाबा का ही बेटा कहलाऊंगा, तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊंगा। कान लाय कछु कहत जसोदा, दाऊ ही नाही सुने हो। लाय याने लगाकर और नाही सुने हो मतलब नहीं बताऊंगी। अर्थात यह सुनकर यशोदा कृष्ण के कान में कुछ फुसफुसाती है कि वे इसे बलदाऊ को नहीं बताएंगी। चंदा होते अति सुंदर तुझे नवल दुल्हैया बे हो, नवल यानी सुंदर, दुल्हैया यानी दुल्हन, और बेहो मतलब ब्याह करूंगी। अर्थात यशोदा कहती है कि चंद्रमा का खिलौना लाने की क्या बात करते हो, मैं चंद्रमा के खिलौने से भी अधिक सुंदर दुल्हन से तुम्हारा ब्याह करवाऊंगी। यह सुनकर कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तेरी सौह मेरी सुन मैया, हो अब ही ब्याहन जय हो। सौह यानी सौगंध, कृष्ण कहते हैं माँ तेरी सौगंध है, मैं अभी ब्याह करने जाऊंगा। सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गए हो यानी गाना, मेरे सभी ग्वाल बाल मित्र मेरे बाराती होंगे और मंगल गीत गाए जाएंगे। विद्यार्थी मित्रों चलिए एक बार इस पद का पठन करते हैं। तेरा लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढढोरी आप ही आयो, खोल की वार सूने मंदिर में, दूध दही सब सखन खवाओ, सीके काढ़ी खाट चढ़ी, मोहन कछु खायो कछु ले धरकायो, दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग जायो। सूरदास कहती ब्रज नारी पूत अनोखे जायो, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो, धोरी कोपय पान न करी हो, बेनी सिर न गुथे हो, मोती न माल न धरी हो, उर पर झंगूली कंठ न ले हो, जय हो लोट अभी धरनी पर, तेरी गोद न ए हो, लाल कहे हो नंद बाबा को, तेरो सूत न कहे हो, कान लाय कछु कहत जसोदा, दाऊ ही नाही सुने हो, चंदा होते अति सुंदर तुझे नवल दुल्हैया बे हो, तेरी सौह मेरी सुन मैया, हो अब ही ब्याहन जय हो, सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गए हो।